Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Google Ad Series की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड जितनी भी आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज है इनसाइड योर गूगल एड्स मैनेजर, उसको हम लोग समझने वाले हैं सो दैट हमें पता चले कि कौन से केस में कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारे लिए सबसे यूजफुल होगी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड या स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली क्या होता है और स्मार्ट या फिर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है और किस केस में कंट्रोल गूगल के पास होता है और किस केस में कंट्रोल आपके पास होता है। अब यहां पर देखिए, समझने के लिए हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं। हम कोई भी कैंपेन रन करें, चाहे हम डिस्प्ले कैंपेन रन करें, सर्च करें, यूट्यूब करें, किसी भी टाइप का करें, पर उसमें कोई ना कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी पड़ती है और एक कैंपेन में आप एक ही बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू चूज द करेक्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी सो दैट आपके केस में आपको मैक्सिमम आरओआई मिल सके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर, तो बिडिंग स्ट्रैटेजी में एक आपको मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है और 5 to 6 आपको ऑटोमेटेड या आप कह लीजिए स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है गूगल एड्स मैनेजर के अंदर। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि कौन से केस में कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी की। देखिए, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी एक ही है गूगल के पास और वो है मैनुअल सीपीसी बिडिंग। वो है मैनुअल सीपीसी बिडिंग। इट मींस कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर क्लिक पे आपको कितना पे करना है गूगल को, अगर कोई कीवर्ड आपका जो रिलेवेंट कीवर्ड है उस पर अगर एड दिखाना है। यहां पर आप जितना भी कंट्रोल है वो आपके पास रहता है एज एडवर्टाइजर। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे 5 रुपए देना है, 2 रुपए देना है, 1 रुपए देना है या 50 रुपए देना है। इस बिडिंग स्ट्रैटेजी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, हर एड ग्रुप के लिए आप एक अलग मैक्सिमम सीपीसी सेट कर सकते हैं, हर कीवर्ड के लिए सेट कर सकते हैं और जब आपका कैंपेन एक बार रन होना शुरू हो जाए तो थोड़े टाइम बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एड ग्रुप प्रॉफिटेबल है, कौन सा कीवर्ड प्रॉफिटेबल है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ओवरऑल कैंपेन में जितनी भी मैक्सिमम सीपीसी आपने सेट कर रखी है, चाहे वो कीवर्ड हो या एड ग्रुप हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अपने कैंपेन के खुद कंट्रोलर बन सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को खुद कंट्रोल करके देख सकते हैं और यही एडवांटेज है मैनुअल सीपीसी बिडिंग का। अभी आपको यूज कब करनी चाहिए? मैनुअल सीपीसी बिडिंग अगर इतनी ही अच्छी है तो सिर्फ एक ही क्यों है, और भी यू नो मैनुअल बिडिंग होनी चाहिए थी। देखिए, अभी हो ये रहा है कि चाहे फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें या किसी भी एड प्लेटफॉर्म की बात करें, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ या फिर स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ। इट मींस आपके पास से ये कंट्रोल धीरे धीरे हटा रहा है गूगल कि आप मैक्सिमम सीपीसी या आप बिड डिसाइड कर पाए। गूगल अपने एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे ज्यादा रिलाई करता है कि रन टाइम पे जब भी ऑप्शन होगा आपकी तरफ से वो बिड करेगा, क्योंकि इसमें गूगल का फायदा है, गूगल को ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो इसीलिए बिडिंग स्ट्रैटेजी जो मैनुअल वाली है वो सिर्फ एक है, दैट इज मैनुअल सीपीसी बिडिंग, जिसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आपको चलाना कब है? ये आपको तब चलाना है जब आप एक्सपर्ट है, जब आप एक्सपर्ट है, यानी आपको पता है, आपने प्रॉपरली सारे कीवर्ड रिसर्च की हुई है, उसके बेस पे आपने फोरकास्टिंग की हुई है और आपको ये कॉन्फिडेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो कंट्रोल करेंगे वो बेस्ट होगा, उस केस में आप मैनुअल सीपीसी के साथ जा सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, या फिर इनिशियली आपको ट्राई करके देखना है कि जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की है, जितना मैंने सीपीसी का एनालाइज किया है वो कितना सही है, तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं। यानी ये एक्सपर्ट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उन लोगों के लिए जो अभी सिर्फ शुरू कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ आइडिया ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5 रुपए यहाँ पर बिड रख दी और गूगल को रिक्वायर्ड है 10 रुपए, तो आपका एड को इंप्रेशन मिलेगा ही नहीं, आपके एड को कन्वर्जन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप बिड में कम बिड होने की वजह से ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आप तभी यूज करें जब आप बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं या फिर आप कंफर्टेबल हैं गूगल एड्स के अंदर। तो ये हुई एक ही मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी है, वो है मैनुअल सीपीसी। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं गूगल के अंदर, वो स्मार्ट बिडिंग गूगल बोलता है उनको, या फिर आप बोल सकते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड बिडिंग स्ट्रैटेजी है मैक्सिमाइज क्लिक। सेकंड बिडिंग स्ट्रैटेजी है मैक्सिमाइज क्लिक। नाम से पता चल रहा है इस बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, आपके पास ये कंट्रोल नहीं होगा कि आप मैक्सिमम सीपीसी सेट कर पाए, पर आप गूगल के एल्गोरिथम को ये बता रहे हैं कि आपको जो भी आपका डेली बजट है, मान लेट्स सपोज आपका डेली बजट है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज आपका जब डेली बजट है तो आपके डेली बजट में आपको चाहिए मैक्सिमम क्लिक। अब चाहे गूगल 5 रुपए में लेके आए, 10 रुपए में लेके आए या 50 रुपए में लेके आए, आपको मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए। तो आप गूगल को मैक्सिमाइज क्लिक्स की जो यू नो स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई कर देते हैं कैंपेन के अंदर और फिर गूगल के एल्गोरिथम बेस्ड ऑन ऑक्शंस, बेस्ड ऑन कंपटीशन, ये डिसाइड करती है कि आपको कितना
कितने नो कितने क्लिक्स मिलेंगे, और अल्टीमेटली जब डे एंड होता है तब आपको पता चल जाता है कि सीपीसी कितना मेरा कॉस्ट कर रहा है। ये उन लोगों के लिए सही बिडिंग स्ट्रैटेजी है जो लोग अभी अभी बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जिन लोगों के पास एड अकाउंट में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स नहीं है, बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं है, और अभी एक नया नया एड अकाउंट बनाया है, उस केस में अगर आपको कुछ डेटा जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है अपने गूगल एड अकाउंट के अंदर, तो सबसे सही बिडिंग स्ट्रैटेजी है मैक्सिमाइज क्लिक। कि अगर एक बार आपके पास क्लिक्स आना शुरू हो गए, इंप्रेशन आना शुरू हो गए, आपके पास कुछ डेटा आ गया आपके गूगल एड अकाउंट में, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं चाहे आप उसको मैनुअल सीपीसी पे जाएं या फिर अदर जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं उन पर आप मूव ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के अकाउंट में सारा डेटा है, उनके लिए स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड नहीं है। ऑल तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बिगनर ही यूज करेंगे, एडवांस वाले नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता है, बट रिकमेंडेड ये है कि जो बिगनर है जिनके पास डेटा नहीं है वो इसको यूज करे तो ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन भी ये है कि यहाँ पर गूगल अगेन आपसे कंट्रोल ले लेता है, और वो अपने को हो सकता है कि वो 50 रुपए में क्लिक लेके आ रहा हो तो आपको डेली जो है वो सिर्फ 2 ही क्लिक मिलेंगे, या हो सकता है 10 रुपए में ला रहा हो तो आपको डेली सिर्फ 10 रुपए में मिलेंगे। तो गूगल हमेशा ये चाहेगा कि उसका रेवेन्यू बढ़े, राइट? उसका रेवेन्यू बढ़े तो वो ऐसे कीवर्ड्स पे भी बिड कर देगा जो महंगे होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्लिक्स आपने डाल रखा है तो आपके पास चॉइस नहीं है गूगल पे रिलाई करने के अलावा। तो शुरू में जब आपके पास डेटा नहीं है तब आप इसको यूज करें, अदरवाइज आप बाकी स्ट्रैटेजीज पे मूव ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड या स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज में नेक्स्ट जो 5 बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वो कुछ इस तरह से है, इनका मीनिंग समझ लेते हैं, कब आपको कौन सी यूज करनी चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो थर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन का मतलब है कि आप कोई कन्वर्जन या कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई वेबसाइट है और यहाँ पे आपके पास उस पर एक लैंडिंग पेज है, एलपी मतलब लैंडिंग पेज है, और इस लैंडिंग पेज पर एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं, और जब भी कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करता है तो वो चला जाता है टीपी यानी थैंक यू पेज पर, वो चला जाता है टीपी यानी थैंक यू पेज पर। अब वो जब थैंक यू पेज पर जा रहा है, इसको आप एक्शन मानते हैं या इसको आप कन्वर्जन मानते हैं, और आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा एक्शन या ऐसे कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, पर मैं उसकी एक स्पेसिफिक रेट दे सकता हूं, दैट इज टारगेट कॉस्ट पर एक्शन सीपीए, यानी 100 रुपए मैं मैक्सिमम दे सकता हूं ऐसे एक्शन के लिए। यानी जब भी कोई लीड फॉर्म सबमिट करे या लीड फॉर्म भरे और थैंक यू पेज पर जाए तो ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ मेरी वेबसाइट पे, हर एक्शन के लिए मैक्सिमम 100 रुपए ऑन एन एवरेज दे सकता हूं। तो अगर आपने 100 रुपए डिसाइड कर दिया एज अ सीपीए और आपने डेली बजट लगा दिया 1000 रुपीज, राइट? तो यानी आप गूगल को बता रहे हैं कि 1000 रुपीज मेरा डेली बजट है और 100 रुपए पर एक्शन में दे सकता हूं। इट मींस मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 10 से 11 या 9 से 10 एक्शन आप मुझे दे। ये उस केस में आपको जब करना चाहिए जब आपको कन्वर्जन या पर्टिकुलर एक्शन से मतलब है और आप पर्टिकुलर कॉस्ट में उसको लाना चाहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है, गूगल कभी इस चीज को कमिट नहीं करेगा कि आपने अगर 100 रुपए बोला है तो 100 रुपए में लाके देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो एक्शन जो है मिनिमम कोई भी अगर कंपटीशन में एड रन करता है तो 150 रुपीज का पड़ता है या मे बी 200 रुपीज का पड़ता है। तो आप धीरे धीरे अपनी जो ये सीपीए की कॉस्ट है 100 से 200 या 150 या 250 बढ़ा के देख सकते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कन्वर्जन मिलता है, और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करके नीचे लेके आए और एक बेयर मिनिमम अमाउंट सेट कर ले कि इतना तो मुझे पे करना पड़ेगा। इस केस में अगेन आपके पास पहले से कुछ कन्वर्जन या कुछ एक्शन होने चाहिए। अगर आपका एड अकाउंट बिल्कुल नया है उस केस में ये स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, बिकॉज गूगल ही समझ ही नहीं पाएगा कि जो लोग इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या सर्च करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कहाँ के वो है, किस आईपी एड्रेस से आते हैं, कुछ नहीं पता। तो अगर आपके कन्वर्ट अकाउंट में 15-20 कन्वर्जन या 15-20 इस तरह के एक्शंस नहीं है तो इस स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा इफेक्टिव यूज होने वाला नहीं है। बट अगर आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा कन्वर्जन और बहुत पुराना एड अकाउंट है, डेटा काफी इनफ है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आपका फोकस है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कराना। वो सेल भी हो सकता है, वो लीड जनरेशन भी हो सकता है, वो लीड सबमिशन भी हो सकता है, वो न्यूज लेटर साइन अप हो सकता है, वो आपका कॉल हो सकता है, ये सारे ही आपके एक एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये थी आपकी थर्ड स्ट्रैटेजी। बात करते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी की, वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, दैट इज रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एड वो अमाउंट लगा रहे हैं वो ये बोलते हैं कि अगर हमने 100 रुपए एड अकाउंट पे खर्च किए या एड्स पे खर्च किए तो वापस रिटर्न में हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, यानी रिटर्न मिल रहा है। मतलब अगर 100 रुपए लगाए तो 200 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरा जो रोएस हुआ वो हुआ 2 का। अगर मैंने 100 रुपए लगाए ऐड पे और मुझे 200 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है तो मेरा रोएस हुआ 2 का। 100 रुपए लगाए और 100 रुपए ही मिल गए तो रोएस हुआ 1 का।
तो यानी वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो जितना लगा है उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स मिले, यानी रोएस हमारा 3 4 5 तो हमें मिलना चाहिए। अब उस केस में होता क्या है कि उस केस में गूगल के जो एल्गोरिथम है वो आपको उतना पर्टिकुलर रिटर्न देने के लिए कोशिश करती है। अब वो हो सकता है कि सीपीसी हाई करे लो करे, कभी आपको एक दिन रिजल्ट ज्यादा का दिखाए एक दिन कम दिखाए, बट वो ट्राई करती है कि ऑन एन एवरेज जो आपका रोएस, लेट्स से आपने रोएस डिफाइन किया है 3 का, आपने 3 का रोएस डिफाइन किया है कि हर 100 रुपए खर्च करने पर या हर 1 रुपए खर्च करने पर मुझे 3 रुपए मिलने चाहिए, 3 रुपए का बिजनेस मिलना चाहिए। तो उस केस में गूगल ऑटोमेटिकली बिड करता है और ऐसे जगह पे आपके कीवर्ड्स को दिखाता है, ट्रिगर करता है एड्स को, जहां पर आपके जो आपने ऑब्जेक्टिव रख रखा है, जैसे लीड रख रखा है या फिर सेल्स रख रखा है, उस केस में वो फुलफिल होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो। तो ये भी तभी काम करेगी, अगेन ये किसके लिए है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास डेटा सफिशिएंट है गूगल के एड अकाउंट के अंदर। अगर बिल्कुल नया एड अकाउंट है तो कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी स्ट्रेटेजी की, बिकॉज गूगल को पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस काम क्या करता है, आपके रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है क्या। तो इसीलिए अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज ना कीजिए, अगर डेटा है इनफ तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है आपके इस केस में मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब क्या है गाइस, कि आप गूगल के एल्गोरिथम को बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। इट मींस अगर आपका, लेट्स से जैसे मैंने सेम एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके केस में मान लीजिए कन्वर्जन है, क्या क्या कोई लीड सबमिट होती है तो वो आपके लिए कन्वर्जन है, क्या आपके लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करता है सेल होती है तो ये कन्वर्जन है, क्या आपके लिए न्यूज लेटर साइन अप जो होता है तो वो आपके लिए कन्वर्जन है, आपके लिए कोई कॉल करता है आपके बिजनेस को वो आपके लिए कन्वर्जन है, या लेट्स से आपके चेकआउट पेज पर कोई जाता है वो आपके लिए कन्वर्जन। तो आपके लिए कन्वर्जन है क्या, ये पहले आपको गूगल एड में सेट करना पड़ेगा कन्वर्जन सेक्शन में जाके, और फिर वहां से आप लोग जब नया कैंपेन बनाएंगे उस कन्वर्जन को टारगेट करते हुए, तो आप गूगल के एल्गोरिथम को बताएंगे कि आई नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब चाहे कन्वर्जन आप 1 रुपए में लेके आए, 100 रुपए में लेके आए या 200 रुपए में लेके आए, पर जितना मेरा बजट है, मान लीजिए 1000 रुपीज पर डे मेरा बजट है, उस पर डे के बजट में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। बट अगेन ये कहाँ यूज आएगी और कब इफेक्टिव होगी, जब आपके अकाउंट में पहले से कुछ डेटा होगा। गाइज एक चीज समझिए कि ऑटोमेटेड या स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज क्योंकि आपके हाथ से कंट्रोल ले लेती है और गूगल के हाथ में देती है, और गूगल के एल्गोरिथम मशीन लर्निंग पे काम करती है, मशीन लर्निंग को चाहिए डेटा, बिना डेटा के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाहे आप एआई की बात करें, एमएल की बात करें, किसी भी एल्गोरिथम की बात करें, वो डेटा ड्रिवन होती है, उसको डेटा चाहिए ट्रेन करने के लिए। अब आपके पास पहले कोई डेटा ही नहीं है तो ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको लाके नहीं देगी, तो आपको थोड़ा डेटा 15-20 कन्वर्जन या तो इंपोर्ट कर सकते हैं आप पहले से आपके एनालिटिक्स में है तो, या फिर 15-20 कन्वर्जन जब आ जाए उसके बाद आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर बनती है वो है एनहांस्ड कॉस्ट पर क्लिक। एनहांस्ड कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है गाइज, कि आपने जो भी सेट की है सीपीसी, जो भी आपने अपना बजट सेट किया है और जो भी आपने एक अपना अमाउंट गूगल को बताया है, मान लीजिए जैसे मैनुअल सीपीसी में क्या होता था, मैनुअल सीपीसी और एनहेंस सीपीसी, ये दोनों थोड़े से ही डिफरेंस है। एनहेंस सीपीसी, मैनुअल सीपीसी में आपने बोल दिया था कि 10 रुपए में सीपीसी कॉस्ट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, तो गूगल ट्राई करता था कि 10 रुपए के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलके आ जाए, यानी क्लिक्स आ जाए। एनहेंस सीपीसी में ये होता है कि आपने बोला कि मैं 10 रुपए रहने को रेडी हूं, पर गूगल अगर कहीं ये फाइंड करता है कि नहीं यार 10 नहीं, अगर 15 रुपए दिए जाए पर क्लिक तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस पर्टिकुलर ऑप्शन में 15 रुपए की बिड कर देगा, यानी एनहेंस्ड सीपीसी थोड़ा बढ़ाकर, हो सकता है 10 की जगह 20 कर दे, 10 की जगह 50 कर दे, यानी आप गूगल को ये परमिशन दे रहे हो कि भाई मैंने जो सीपीसी आपको दी है वो बस एक ऑप्शन है कि मुझे इससे ज्यादा पे नहीं करना, बट इससे ज्यादा अगर कहीं पे काम मेरा बनता है या मेरा कन्वर्जन आने के चांसेस हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनहेंस सीपीसी। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इफ यू वॉन्ट टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर मैनुअल बिड्स टू ट्राई मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यू कैन यूज ईपी देन एनहेंस सीपीसी, इट इज एन ऑप्शनल फीचर दैट यू कैन यूज विद मैनुअल सीपीसी बिडिंग लर्न मोर, यानी जब आप मैनुअल सीपीसी यूज करेंगे वहां पर एक ऑप्शन है कि क्या आप एनहेंस सीपीसी का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा जो एक स्ट्रैटेजी और आती है बिडिंग स्ट्रैटेजी वो है मैक्सिमाइज या मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। इस चीज को समझना, ये अलग है थोड़ी सी, और कैसे अलग है, दो कन्वर्जन से रिलेटेड दो हमारे पास है, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन यानी जिसमें हमें नंबर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा ज्यादा मिलते हैं, और दूसरा है हमारे पास मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि मान लीजिए आपके लिए अगर
कोई प्रोडक्ट सेल होता है और वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, यानी 100 रुपए की आपकी सेल होती है, वो कन्वर्जन वैल्यू है, हर कन्वर्जन की वैल्यू 100 है, तो आप बोलते हैं कि मुझे तो मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, यानी मेरे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि एक प्रोडक्ट बिका या 50 बिके, मेरे लिए मैटर ये करेगा कि मेरे को रेवेन्यू या मेरे को जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा मिली। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन में तो गूगल फोकस करता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पे, यानी 5, 10, 15, 20 जितने ज्यादा हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर बजट, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसमें गूगल फोकस करता है कि आपको चाहे एक ही कन्वर्जन मिले बट वो हाईएस्ट वैल्यू का मिले, यानी जो भी आपने वैल्यू डिसाइड की है उससे ज्यादा का आपको मिले, चाहे वो एक ही ऑर्डर मिले या 2 ऑर्डर मिले। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके लिए पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपके लिए कन्वर्जन वैल्यू है क्या। आपके केस में वो अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो क्या कन्वर्जन वैल्यू है, लीड फॉर्म सबमिट हो रहा है तो क्या कन्वर्जन वैल्यू है, और इस तरह से जब आप डेटा को सेट करते हैं और फिर एड चलाते हैं यूजिंग मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, तब जाके आपको ये इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। बट कंडीशन अगेन वही है कि आपके पास पहले से कुछ डेटा होना चाहिए। अगर ब्रांड न्यू अकाउंट है, एब्सोल्युटली नया अकाउंट है, तो ये स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि मैनुअल सीपीसी हो सकती है। तो यानी इन नटशेल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका नया अकाउंट है, कोई डेटा नहीं है, तो आप मैनुअल सीपीसी के साथ जाइए, उसमें इनहांस सीपीसी का ऑप्शन थोड़ा सा ले सकते हैं, और अगर आपके पास डेटा है और आप पूरा का पुराना अकाउंट है तो आप जितनी भी बिडिंग ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज हैं वो आप उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट आपका जो कंट्रोल है वो गूगल के पास जाता है और गूगल ट्राई करता है। देखिए, गूगल कभी भी ये नहीं करेगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये है कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने पर या बिडिंग स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करने पर जो रिजल्ट है वो कभी आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिलेगा, कभी वो महंगा मिलेगा।